आया। रणवीर सिंह तो वेटरन है, आते रहते हैं। जितनी पिक्चरें की उतना उन्होंने टेलीविजन का सर्किट किया हुआ है, तो इज अ वेटरन। मैं पहली बार आया हूँ। हाँ, यहाँ के बहुत मजा आता है, हमेशा मजा आता है। आई थिंक द परफॉर्मर्स आर वेरी वेरी टैलेंटेड। भारती हो कि मंत्रा हो या कृष्णा हो, एंड इट हमेशा मजा आता है जजेस के साथ इंटरेक्ट करना। अर्चना जी, अरबाज भाई, सोहेल भाई, बहुत मजा आता है शो में आके। इतना आदमी हंसता है, इतना आदमी हंसता है, मतलब इट्स लाइक थेरेपी कमिंग फॉर दिस शो। और सात सात साल से चल रहा है शो, तो जाहिर बात है। ओह माय गॉड, प्रियंका, अरे प्रियंका, ओह माय गॉड, शी सो एक्सोटिक। दादा दादा, दास दास बाबू हटिए जरा। प्रियंका, प्रियंका जी को आने दो। शैंडेलियर आ गया, आई मीन प्रियंका। हाय अर्जुन, एक्चुअली मैं बाकी जगह पे गई थी ना, मैं ये मानता हूँ दोस्ती के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो नज़र लगती है। और रणवीर की माँ और रणवीर भी इस बात से सहमत है। हम सब बहुत चर्चे हो चुके हैं कि हम प्लान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, दोनों हम एक दूसरे को तब से जानते थे जब आप हमें नहीं जानते थे। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, यू आर नॉट टू वरीड अबाउट योर प्लान है या ये है या वो है, यू आर हैविंग फन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और शायद ऑडियंस को वो असलियत दिख रही है ट्रेलर्स में, हमारे इंटरेक्शंस में, दैट वी आर जेन्युइनली कंफर्टेबल विद ईच अदर। आई मीन कैमरा से आपको छुपा नहीं सकते इवेंचुअली। अरे प्रियंका, ओह माय गॉड, शी इज सो एक्सोटिक। दादा दास दास बाबू हटिए जरा। प्रियंका, प्रियंका जी को आने दो। शैंडेलियर आ गया, आई मीन प्रियंका। हाय हाय अर्जुन, एक्चुअली मैं बाकी जगह पे गई थी ना, पहले मिस कर दिया मैंने, लेकिन मैं आ गई। यू आर लुकिंग सो एक्साइटेड। लेट जाइए, आई मीन बैठ जाओ। और मेरे मन की बात आप कैसे जान लेते हैं? मीडिया के सामने ये सब नहीं कहते। सॉरी सॉरी सर, मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं? नहीं नहीं सर, गोद मैं आपके मैं आपके गोद में लेट जाऊं? हैं, वैसे इतनी बड़ी गोद है तो जगह है। यू आर लुकिंग सो एक्साइटेड। थैंक यू सो मच, वेलकम टू माय सिटी। ओह माय गॉड, ओह आई एम सॉरी, आज तक मैंने इतनी टांगे कभी नहीं दिखाई, आज गुंडे आए तभी दिखा रही हूँ। और बताइए, आप भी तो खुश हो रहे हैं देख के, ऐसे थोड़ी दो हाथ पकड़े हुए हैं आपने। ऐसे वैसे लड़के नहीं है हम। फिर कैसे लड़के, बताइए ना। हम गुंडे हैं। हैं? हाँ। तो मैं भी बहुत मोटी गुंडी हूँ। और सच बात तो यह है कि हम प्यार करते हैं आपसे। दोनों जी, आ जाओ फिर। वो क्या है ना मैडम, हमारा बहुत बड़ा है दिल। है? हाँ। अरे रब्बा, सेम टू सेम, मेरा भी बहुत बड़ा है पेट। जो मर्जी डिनर पे ले जाओ। किसे चूज करेंगे आप? करेंगे? जूस निकालेंगे पकड़ के। एक्चुअली मैं क्या करूं? लड़के खुद ही और वो भी गुंडे आए हैं। देखिए, इन्होंने तो अपने हाथ भी पीले कर दिए हमारे लिए। एक हाथ मेरा, एक हाथ शहर। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं दो दिल एक पसंद, समझ नहीं आ रही कपूर बनूं कि सिंह बनूं। पर देखते शेयरिंग इज केयरिंग। वीकेंड्स पे कपूर खाने में जो मजा है वो अकेले खाने में। करेक्ट, वीकेंड पे कपूर, वीक हफ्ते भर सिंह। बिल्कुल, जायदाद दोनों की। मुझे काम नहीं है, आप भी प्रेम कर। मैं इतनी मतलब इतनी ज्यादा भोली हूँ कि मेरे मुंह से ना निकलती नहीं है। ये खाना हाँ हाँ करके ये हाल हो गया कि मम्मी ने जितनी बार दिया मैंने ना किया ही नहीं, इसीलिए इनको भी ना नहीं कर सकती मैं। और ऊपर से गुंडे हैं, ना करेंगे तो छीन लेंगे। पीछे इनके आशिकों की पूरी पूरी कंट्री आ रही। टन 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 टन। विश मेरी बहुत बड़ी 85 kg की विश इनके साथ है कि इनकी गुंडे सुपर डुपर हिट हो। मतलब कि सब लोग उसके बाद सोचें कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बनना, गुंडे ही बनना है। इतनी बड़ी हिट हो और बस मज़ा आए हर प्रमोशन में। ये कॉमेडी सर्कस में आते रहे क्योंकि ये 6 साल 7 साल से लगातार ये शो चल रहा है और रात 10 बजे आता है। और इनकी फिल्म का भी शो 10 बजे है ना सर? हाँ है। आपके लिए तो मिडनाइट स्क्रीनिंग पे रख देंगे। यार ये लोग ना मन की बातें जान लेते हैं। चलती है गुंडे के लिए 9 से 12। मैं का पूरा दिन आपके लिए सर। साथ में हम रामलीला लुटेरा भी दिखा देंगे। लेकिन 10 बजे कॉमेडी सर्कस। हम पूरे हिंदुस्तान को लेके जाना चाहते हैं। जितनी भी लड़कियां कवारी जिनके बॉयफ्रेंड्स नहीं है, प्लीज कहाँ मिले हमें?
यशराज के बाहर मिले। अगर वहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो आप नहीं मिल पाए तो अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर है, जिसमें सारी लड़कियाँ आ सकती हैं। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.